गुंडागर्दी थी, महागुंडागर्दी। 120 में ले गया था दारू, आज बोलते 130 में हो गया जम्मू। ये बताओ, पैसे 70 क्वार्टर मिलता था, रेट बढ़ते जाएगा तो हमारा राशन पानी का पैसा तो इसी में घुसेगा। अगर महंगा रहेगा ज्यादा नहीं पिएगा, और सस्ता रहेगा ज्यादा पिएगा, जल्दी मरेगा। नहीं खुश हूँ, एमआरपी बनी जाता, मेरे को चाहिए सामान। मोदी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने शराब की कीमतों में वृद्धि किया। चलिए शराब प्रेमियों से बात करते हैं कि वो खुश है कि ना खुश है। देखिए एक्चुअलिटी क्या है, ये शराब दुकान जो है खोल जरूर दिए तो लोगों की, इनकी तानाशाही चल रही है जो वहाँ बैठता है। यहाँ पे कोई चीज़ को ध्यान देने वाला कोई तैयार नहीं है, यहाँ पे केवल गुंडागर्दी होता है। गुंडागर्दी नहीं, महागुंडागर्दी। आपको 10 रुपये चिल्लर लाना पड़ेगा तब आपको दारू मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अच्छा जी, क्या बोलते हैं भट्टी वाले? भट्टी वाले बोलते हैं 200 का नोट लाओ तो बोले 20 रुपये देंगे, तब हम तुमको आपको दारू देंगे। चिल्लर भरी हुई पड़ी हुई है। मेरा नाम कांति गोलछा, मैं चाहूँ तो मैं हर कुछ कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ? मैं इनसे क्या मुँह लगूंगा? मेरे परिवार तक ये बातें जाएगी, मैं तो यहाँ खड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात है। अभी कल मैं 120 में ले गया था दारू, आज बोलते 130 में हो गया जम्मू। रेट बढ़ गया है, बात दारू के पैसे की नहीं होती है। आपको पैसा देने के बावजूद भी आप तानाशाही क्यों कर रहे हो? आपको ढंग से काम करना है, ढंग से काम करके ढंग से दारू बेचना है। आप तो ऐसा बन गए हो साले, इससे अच्छा तो वो था भाटिया, अच्छा था हमारा। जो अभी जो शराब की जो बोतलें हैं, जो पुरानी जो बोतलें 120 रुपये जो दाम लिखा हुआ है, अभी वो कितने रुपए में दे रहे हैं? 130 रुपए में आज की डेट में दे रहे हैं। पुराने एमआरपी भी 130 रुपए में दे रहे जी। आपको कितने रुपए मिला अभी पुराने एमआरपी का? देखिए मैं एमआरपी एमआरपी बनी जाता, मेरे को चाहिए सामान, मैंने पैसा दिया ले लिया, पर तानाशाही नहीं की, ये तानाशाही हमको बर्दाश्त नहीं है भैया। शराब की कीमतों में उछाल है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताओ, पहले 70 क्वार्टर मिलता था ना, सरकार था तो अभी कैसे 40 पे हो गए? बताओ अभी, बताओ वही चीज़ तो आप लोग से पूछने हैं। आप खुश हैं कि नहीं है? नहीं खुश हूँ। नहीं है खुश? नहीं। और घर वाले खुश है कि नहीं है? इसे कोई नहीं है, कोई नहीं खुश, कोई नहीं, कोई नहीं। आप खुश हो कि नहीं? मैं भी खुश नहीं हूँ सर, तो रेट बढ़ते जाएगा तो हमारा राशन पानी का पैसा तो इसी में घुसेगा। सस्ता रहेगा तो इंसान है ना पिएगा कम, है ना, और महंगाई होगा तो पैसा ज्यादा घुसेगा। सही बात। आप खुश है कि नहीं? नहीं, मैं तो खुश हूँ, लेकिन भाई बात ऐसा है, जो पीने वाला है अगर महंगा रहेगा ज्यादा नहीं पिएगा, और सस्ता रहेगा ज्यादा पिएगा, जल्दी मरेगा। आप खुश है कि नहीं? नहीं, किसमें? शराब की कीमतों में वृद्धि हुई, आप खुश है? महंगा लगा दो दारू, महंगा लगा रहे यार मोदी। अभी शराब आप कितने रुपए में ले रहे हैं? 120। और पहले कितने में लेते थे? पहले 120 में ले रहा था, अभी 130 बोला। बीजेपी की सरकार शराब में वृद्धि के, इससे आप खुश है कि ना खुश है? मेरे ख्याल से तो बीजेपी सरकार दोबारा आनी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार जो है शराब की कीमतों में वृद्धि के, इससे सरकार को आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इससे घर वाले खुश है कि नहीं है? घर वाले तो और परेशान है। कैसे घर वाले परेशान है? अरे तो हर चीज महंगा हो जाएगा, तो हर चीज़ सामान अपन कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो अपन को बेनिफिट मिलेगा, पर ज़्यादा में खरीद कर कम करके और माइनस में थोड़ा सा पैसा कमा रहे हैं तो कौन सा फायदा, ये बताइए आप। शराब कितने रुपये में बिक रहे थे? 130। 130 में? क्या इससे आप खुश है कि ना खुश है? पीने वाले को कोई मतलब नहीं, घर वाले खुश है। घर वाले खुश है, पर आप भी इससे खुश है? हम खुद हम बर्बाद कर रहे हैं, घर वाले मतलब खुश है बीजेपी से। घर वाले खुश है, आप ना खुश है? लत खराब है, क्या करें बताए। सर आपकी कीमतों में वृद्धि हुई है, इससे आप खुश है कि ना खुश है? ना खुश है सर। क्यों ना खुश है? इसलिए कि हमारी आमदनी उतनी नहीं है, पहले ही ज़्यादा बढ़ा के चालू किए थे, आज भी और बढ़ गया रेट। तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस पर आप बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को, जैसे कि शराब में वृद्धि बीजेपी की सरकार ने की है? वोट तो खैर मैं बीजेपी को ही दूंगा सर, क्योंकि उसने बहुत सारी योजना में फायदा भी दिलाया है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी करवा रही है। सर आपसे तो बस केवल शराबी को ही नुकसान है और बाकी को तो फायदा है? नहीं, किसी को नहीं है इसमें नुकसान, तो सभी का है। तो कीमतें उछाल हुए तो उससे क्या नुकसान आपको? पारिवारिक जिंदगी में फर्क पड़ेगा ना। आप देख सकते हैं कि शराब प्रेमियों का कहना ये है कि शराब की वृद्धि में घर वाले तो खुश है पर शराब प्रेमी नाखुश है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।